Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and welcome to the new episode of the show. Hope that you all are fine. Today we have a very important topic. ये topic एक ऐसा topic है इस पर बहुत कम बात की जाती है और बहुत अफसोस की बात है कि इस पर बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए क्योंकि हमारे जो बच्चों का जो एक personality structure है वो इस पर बेस कर रहा होता है. आज हम बात करेंगे कि parents और बच्चों में किस तरह का relationship होना चाहिए और communication कितना ज़रूरी है बीच में. तो हम आज बाहर हैं, एक खुली एटमॉस्फेयर में हैं ताकि हम बात कर सकें बहुत फ्रीली होकर इस टॉपिक के ऊपर. तो हमारे साथ हैं एज ऑलवेज मोहम्मद हमजा एंड हसन खान और आप ब्यूटीफुल लोकेशन भी देख रहे हैं. तो बात स्टार्ट करते हैं मोहम्मद हसन खान से. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम. ओके हसन, आप बताएं आज का टॉपिक कैसा है, इसको डिस्कस होना चाहिए? जी बिल्कुल, इसको डिस्कस होना चाहिए क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस टॉपिक के बारे में बहुत कम डिस्कशन है. ओके फाइन, तो आपसे स्टार्ट करते हैं. ओके जस्ट टेल मी कि आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह की रिलेशनशिप होना चाहिए है बच्चे और पेरेंट्स में. पेरेंट्स की चिल्ड्रन से ऐसी रिलेशनशिप होनी चाहिए कि अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स से हर चीज शेयर करनी चाहिए. तो इस चीज से हमारा जो रिलेशनशिप होती है अपने पेरेंट्स से वो स्ट्रांग होती है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड अप होता है. Okay, very good. And Hamza, what do you think about the interaction between parents and the children? The interaction between a parent and a children should be like the children should not hesitate in telling their parents about something. They should tell everything. They should treat their parents as a friend. They should tell them everything without any hesitation. ओके फाइन, तो आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जो पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान इतना उनको फ्री स्पेस देना चाहिए है कि हर बात को डिस्कस किया जाए और हर बात जब डिस्कस होगी तो उससे जो एक रिलेशनशिप के स्ट्रांग होने के साथ साथ क्या होगा कि हमारा जो आपस में एक ट्रस्ट लेवल है वो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा. तो हसन, आप क्या समझते हैं कि अगर हम ऐसा सोचते हैं बाज़ दफ़ा कि हम डिस्कस ना करें पेरेंट्स से, अगर हम लोग हमारे जैसे कोई प्रॉब्लम है और हम लोग अपने पेरेंट्स से वो प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करते तो अगर बाद में किसी ने हमारी इस प्रॉब्लम के बारे में किसी ने बता दिया तो हमारे पेरेंट्स उसे सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको इस बारे में कुछ नहीं पता है. ओके फाइन, नाउ मोहम्मद हमजा, व्हाट डू यू से अबाउट दिस? वी शुड टेल आवर पेरेंट्स इफ वी हैव एनी प्रॉब्लम्स, इफ वी आर एनी लाइक सराउंडेड विद प्रॉब्लम्स, बिकॉज़ later on if the problem is like increasing for us our parents won't be able to help us because they don't know anything about it. Okay fine, to bahut dafa aisa hota hai ki bacche apne parents ke sath baat share nahi karna cha rahe hote, iski kya reason hoti hai, what are the reason behind it ki wo nahi cha rahe hote ki hum bataye ki kya uske piche kya reason hoti hai. Hasan pehle aap. वो इस चीज़ से डर रहे होते हैं कि उनको डांट पिटेगी, तो इस चीज़ को नहीं सोचना चाहिए और उनको अपनी प्रॉब्लम बता देनी चाहिए ताकि वो उनके पेरेंट्स उनको एडवाइस दें कि आप ये करो. ओके फाइन, एंड नाउ हमजा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? हमें अपने पेरेंट्स को सब कुछ इसलिए बता देना चाहिए क्योंकि अगर हम उनको अभी नहीं बताते, अभी तो प्रॉब्लम कम है इसलिए हमें लगता है कि हम उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे, लेकिन हम अपने मेंटल लेवल के हिसाब से सोच रहे होते हैं और हमारे पेरेंट्स का हमसे मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा होता है. ओके, लेकिन वजह ऐसी क्या होती है कि बच्चे जो हैं वो हेजिटेट करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ बात करने में? उनको ये हेजिटेशन होती है कि उनको ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स को ट्रोल करेंगे कि आपने हमें क्यों नहीं बताया और ये आपने ऐसा क्यों किया और आपको नहीं पता था कि ये गलत बात है, इस वजह से उनको डर लगता है कि उनके पेरेंट्स उनको डांटेंगे. ओके नाउ शेयर मी सम काइंड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस. मुझे ऐसा लगा था, एक बात हुई थी, मुझे बहुत डर लगा था मैं आपको बताऊँ ना बताऊँ, लेकिन फिर मैंने आपको बता दिया था और फिर ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो गई थी. ओके फाइन, तो उससे आप हाउ डू यू फील आफ्टर दैट, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हुआ आपको नेक्स्ट टाइम? ओके, ट्रस्ट लेवल बढ़ गया था और फिर मैंने सोचा कि आइंदा कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं अपने पेरेंट्स से शेयर करूंगा और तमाम बच्चे जितने भी हमें आज देख रहे हैं, जितने पेरेंट्स देख रहे हैं वो बच्चे, उनको चाहिए कि अपने पेरेंट्स से सब शेयर करें ताकि जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो उनके पेरेंट्स उनको सॉर्ट आउट करने में हेल्प करें. ओके हसन, आप बताइए कि आप क्या समझते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को जो पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने में हेजिटेट कर रहे होते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे? मैं उनको उन बच्चों को ये मैसेज दूंगा कि वो लोग अपने पेरेंट्स को हर चीज शेयर करें उनके साथ क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स की तरह होते हैं. आपको अपने पेरेंट्स के साथ हर चीज शेयर करनी चाहिए वरना वो पहले जो जैसे आपके मेरे ब्रदर ने कहा कि पहले वो प्रॉब्लम बहुत
छोटी होती है, लेकिन बाद में अगर आप अपने पेरेंट्स को नहीं बताओ और उसका सॉल्यूशन नहीं निकले तो वो बड़ी से बड़ी होती जाती है। ओके, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस वी हैव। मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ बच्चों को फ्री स्पेस दीजिए, बच्चों को अपने आप से इतना क्लोज कीजिए कि उनका ट्रस्ट लेवल इतना बढ़ जाए कि कोई भी बात हो वो आपसे ज़रूर शेयर करें। हम बच्चों को टाइम दे रहे होते हैं लेकिन हम बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे होते हैं। आपके लिए आपके बच्चे के साथ कम्युनिकेशन का बेहतरीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वरना उसके रिजल्ट जो उसके आउटकम्स हैं वो बड़े डिजास्ट्रस होते हैं। हमारे बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो समझ रहे होते हैं कि हम सही कर रहे हैं, की वजह से आप देखें कि हमारी सोसाइटी के अंदर बच्चों ने घरों में रहना कम कर दिया है और उनकी सिटिंग बाहर, उनकी कंपनीज बाहर बन गई हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट भी जो होते हैं बहुत ख़तरनाक होते हैं और टाइम निकलने के बाद हम बहुत रिग्रेटफुल होते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, लेकिन वक्त निकल चुका होता है। तो प्लीज़ शेयर योर क्वालिटी टाइम विद योर चिल्ड्रन, दिस इज़ वेरी मच एन इम्पॉर्टेंट। और ये आज का जो एक प्रोग्राम बड़ा फ्रीली हमने स्पेस में इसीलिए किया कि फ्री स्पेस पेरेंट्स के साथ भी होना चाहिए। पेरेंट्स सिर्फ इसलिए नहीं है होते कि वो हुक्म चलाएं, पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान दोस्ती का ताल्लुक होना चाहिए, उससे भी गहरा ताल्लुक होना चाहिए, क्योंकि ये वो रिश्ता है कि बच्चे सबसे ज़्यादा वक्त अपना अपने घर में और अपने पेरेंट्स के साथ गुजार रहे होते हैं। तो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट जो है वो माओं से है कि माएँ जितना ज़्यादा बच्चों को क्लोज कर सकती हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकती हैं, उनका ट्रस्ट गेन कर सकती हैं, उनको ये ना लगे, बच्चों को खौफ महसूस ना करें वो आपसे कोई भी बात करते हुए। तो जनाब, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। और आप देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना टाइम स्पेंड करने आए हैं, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत खूबसूरत हमारा बैकग्राउंड है, यहाँ पे हर कलर के पीकॉक्स हमारे पास हैं। एंड आई एम गोइंग टू साइनिंग ऑफ विद अ ब्यूटीफुल मैसेज, सो प्लीज़ बिल्ड अप ट्रस्ट लेवल बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़। सो प्लीज़ एवरीबडी वॉचिंग द वीडियो, मेक श्योर टू फॉलो द SOPs, वेयर योर मास्क एवरी टाइम यू गो आउटसाइड, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।